आगे सबक देखिए, वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमा इल्ला दु अजजा इन मुफ्रदन काना औ जमा ईदिल कुल्लियतु वल इज्तिमा उला यतहक्ककानि इल्ला फीह वला हाजत इला दिक्रिल अफराद लिअन्नल कुल्लिय मा लम तुलाहज अफरादुहु मुज्तमिअतन ولم تصر أجزاء لا يصح تأكيده بكل وأجمع. भाई गुज़श्ता सबक में हम ताकीद के बारे में पढ़ रहे थे और साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि ताकीद दो किस्म पर है, एक ताकीद लफ्जी और एक ताकीद मानवी. ताकीद लफ्जी ये है कि उसी बेआईनी ही पहले लफ्ज का तकरार किया जाए, और फिर ये दो किस्म पर है, कभी ये तकरार हकीकतन होगा और कभी पहले लफ्ज का तकरार हुक्मन होगा. पहले लफ्ज का तकरार हकीकतन हो, जैसे जा अनी जैदुन जैदुन, तो ये देखो ये दूसरा जैद, ये हकीकतन पहले लफ्ज का तकरार है. और कभी ये तकरार हुक्मन होगा, जैसे जारा बतु आना या जारा बता आंता या जारा बा हुआ. तो यहां देखो ये जो हुआ लाया गया है ये तो जमीर मुनफसिल है और जराबा के अंदर तो जमीर मुत्तसिल है, तो ये हकीकतन तो वही लफ्ज नहीं लेकिन हुक्मन ये वही लफ्ज है. हुक्मन वही लफ्ज है, क्या माना? हुक्म लगा दिया गया कि ये वही लफ्ज है. और क्योंकि मजबूरी है, वजह ये है कि जराबा के अंदर हुआ जमीर मुत्तसिल है और जमीर मुत्तसिल वो तो मुत्तसिल ही आ सकती है, मुनफसिल नहीं, लिहाजा उसके लिए फेल को दोबारा लाना पड़ेगा. और हम तो फेल को दोबारा नहीं लाना चाहते, हम तो सिर्फ उस जमीर की ताकीद लाना चाहते हैं. तो अब मुत्तसिल लाने की कोई सूरत ना हुई तो फिर हम क्या ले आए? मुनफसिल. और इसी तरह जराबता अंता, जराबता के अंदर ये ता है और अंता इसकी ताकीद, लेकिन जराबता की ता ये तो मुत्तसिल है और अंता मुनफसिल है, तो मुत्तसिल ताकीद लाने की कोई सूरत न थी, लिहाजा मजबूरन हमें क्या लाना पड़ी? मुनफसिल लाना पड़ी. तो मालूम हुआ कि ताकीद लफ्जी उसमें तकरार होगा लफ्ज अव्वल का, और कभी यह तकरार हकीकतन होगा और कभी हुक्मन होगा, यानी हुक्म लगा दिया जाएगा. और फिर बताया था कि यह तमाम अल्फाज में जारी होती है, ये तमाम अल्फाज में. अब तमाम अल्फाज से क्या मुराद हैं? अगर तमाम इसम भी मुराद ले लें, तमाम अफाल भी, तमाम हरूफ भी, जुमले भी और मुरकबात नाकिस वगैरह सब मुराद ले लें, क्योंकि यह तकरार तो सब में आता है, तो फिर यजरी की जमीर ताकीद लफ्जी को न लौटाएं कि ताकीद लफ्जी तमाम लफ्जों में आती है, इसम में भी, फेल में भी और हर्फ में भी. वजह यह कि ताकीद लफ्जी इसम की किस्म है. यह तवाबे किस में से हैं? इसम के तवाबे जिक्र हो रहे हैं, वो जो इसम है भाई, फेल और हर्फ की बहस आगे आएगी. तो ये तवाबे इसम की अकसाम हैं. तो मालूम हुआ ताकीद लफ्जी और मानवी भी हमेशा किस में से होगी? इसम में से होगी, फेल या हर्फ या जुमला वगैरह नहीं हो सकते. तो लिहाजा इस सूरत में फिर यजरी की जो जमीर है ये पीछे जो तकरार आया था उसकी तरफ लौटाएं कि यह तकरार जो है मुतलकन तकरार, ये मुतलकन ये जो तकरार है ये हर किस्म के अल्फाज में आता है, अस्मा में भी, अफाल में भी, हुरूफ में भी और जुमलों में भी और मुरकब नाकिस वगैरह में भी. और या फिर यूं करें कि यजरी की जमीर अगर आप ताकीद लफ्जी को लौटाना चाहते हैं तो फिर अल्फाज से सारे अल्फाज यानी इसम फेल हर्फ मुराद न लें, अल्फाज को खास कर दें इसम के साथ कि अल्फाज से इसम मुराद है. तो गोया कलाम यूं हो गया यजरी फिल अस्मा इकुल्लिहा कि ये ताकीद लफ्जी तमाम इसमों में जारी होती है. अब बात ठीक हो गई, अब ये ताकीद लफ्जी इसम ही में जारी होती है ये पता चल गया, लेकिन तमाम अल्फाज में जारी होती है ये तामीम इसमें लेकर आए. वजह ये है ये ताकीद मानवी के मुकाबले में है और ताकीद मानवी तो 8-9 लफ्जों से होती है. तो इसमें बता दिया कि इसमें कोई महदूद अल्फाज नहीं है, महदूद असमा नहीं है, बल्कि तमाम इसमों के अंदर ये आती है. फिर उसके बाद इन्होंने ताकीद मानवी के अल्फाज आपको गिनवाए थे कि नफ्सुहू, आइनुहू और इसी तरह किला और किलता हैं
और इसी तरह कुल्लुन है अजमाऊ अकताऊ अबताऊ अबसाऊ, ये अल्फाज हैं। और ये अबसाऊ के अंदर बतलाया, बास कहते हैं अब जाऊ है ज़ाद के साथ है, लेकिन ज्यादा राजह यही है यह स्वाद के साथ है। और फिर यह भी बतलाया था कि यह अकेले इस्तेमाल, बास कहते हैं अकेले इनका कोई माना ही नहीं है, ये मोहमल हैं, जैसे हसनुन बसनुन, जैसे शैतानुन लैतानुन, जैसे जाइउन नाइउन, यह जैसे उर्दू में है खाना वाना, ये वाना क्या है, ये मोहमल है, या चाय शाये या पानी वानी, तो लिहाजा अकेले इनका कोई माना नहीं। जबकि बाजों ने कहा है कि ये अकताऊ जो है ये हौलुन कतीउन से मुश्तक है और उसका माना है पूरा साल, तो अकताऊ के अंदर भी पूरा होने का माना आ गया कि ये भी पूरे अफराद का इहाता कर लेता है। जबकि अबसाऊ जो है वो अगर स्वाद के साथ हो तो बसा अबसाऊ का माना है पसीने का बहना, और अगर ये ज़ाद के साथ है तो बज़ा यब्ज़ु का माना है सैराब होना। तो इनकी भी दूर पार की मुनासिबत जिकर की है उलमा ने। बसा अल अरक का माना है पसीना बहना, और बहती वो चीज है जो कसीर हो, और तमाम अफराद भी क्या होते हैं, कसीर होते हैं, तो गोया इसके अंदर बहने में कसरत वाला माना आ गया और तमाम अफराद में भी कसरत वाला माना है, तो दोनों में देखो मुनासिबत आ गई, एक इसका लुगवी माना और एक इसका ताकीदी माना। इसी तरह अगर ये बजा यब्ज़िउ से हो तो उसका माना है सैराब होना, तो भी इसकी मुनासिबत है, इस लुगवी माना की मुनासिबत है माने ताकीदी के साथ। किस तरह कि सैराब जब इंसान हो जाता है, प्यास बुझ जाती है, तो उसको और पानी पीने की हाजत नहीं रहती। इसी तरह जब तमाम अफराद के लिए ये अबज़ाऊ आ गया, तमाम अफराद पर हुक्म लग गया, तो और किसी फर्द पर अब हुक्म लगाने की हाजत नहीं है, क्योंकि सब पर हुक्म लग चुका है। और इसी तरह अबताऊ जो है, कहते हैं ये बताउन से माखूज है, बतिया यबताऊ बताउन का माना है गर्दन का लंबा और मजबूत होना, गर्दन का लंबा और मजबूत होना, तो देखो गर्दन के लंबा और मजबूत होने में शिद्दत और सख्ती वाला माना आ गया, और तमाम अफराद जो हैं इनका इहाता कर लेना, इसमें भी क्या है, शिद्दत और सख्ती है कि कोई फर्द बाहर ना रहा। तो देखो ये मुनासबतें हैं, दूर दूर की कुछ मुनासबतें इनके ताकीदी माना के साथ पाई जा रही हैं। फिर इनका इस्तेमाल किस तरह करना है और किस किस के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो साहिब काफिया ने बतलाया था कि पहले दो जो लफ्ज हैं यानी नफ्स और ऐन, ये मुफरत के लिए भी आएंगे, तस्निया के लिए भी, जमा के लिए भी, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, और जिसकी भी आप ताकीद बनाना चाहते हैं उसी की जमीर इसके साथ जोड़ना पड़ेगी। नफ्सुहू, यह जमीर उसी मुअक्कद को यानी माकबल के मतबू को लौटेगी, तो अगर वह मुफरत मुजक्कर है तो नफ्सुहू, जाअनी ज़ैदुन नफ्सुहू, और अगर वह मुअन्नस है तो जाअत हिंदुन नफ्सुहा, अब मुअन्नस की जमीर जोड़ दी, और अगर तस्निया है तो फिर तस्निया जमीर भी तस्निया की और लफज भी तस्निया का, जमीर तस्निया की क्या, मसलन हुमा, और नफ्स और ऐन को भी तस्निया बना लें, नफसानी और ऐनानी, और फिर इनकी इजाफत कर दें हुमा जमीर की तरफ, तो तस्निया का नून इजाफत से गिर जाता है, तो नफसा हुमा और ऐना हुमा हो गए। तो बाज अरब इसी तरह बोलते हैं, लेकिन आम अरब जो हैं उनके हां तस्निया की इजाफत तस्निया की तरफ पसंदीदा नहीं, तो वो पहले सीगे को जमा से बदल देते हैं, नफसा हुमा, इस नफसा को जमा अनफुस से बदल देते हैं, अनफुसु होमा और आयुनु होमा, जा अनी जैदुन व अमरुन अनफुसु होमा, जा अनी जैदुन व अमरुन आयुनु होमा, तरीका समझ में आ रहा है। तो यहां तस्निया की इजाफत तस्निया की तरफ नापसंदीदा थी, इसलिए पहले लफ्ज को जमा से बदल दिया गया, जैसे कुरान में भी आया है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अईदिया हुमा, वरना होना तो क्या चाहिए था, हुमा जमीर है तो यदई यदई नी, तस्निया यद की तस्निया आनी चाहिए थी यदई ही मां, लेकिन कुरान में क्या आया है अईदिया हुमा, लेकिन बाज अरब इसी तरह बोल देते हैं, तस्निया की इजाफत तस्निया की तरफ कर देते हैं। और जमा के लिए,
सीगा भी जमा का आएगा और जमीर भी जमा की आएगी। अगर मुजक्कर हो तो अनफुसुहुम कहेंगे, जा अनी जैदुन व अमरुन व बकरुन अनफुसुहुम, और अगर मुअन्नस हो तो फिर साथ हुन्ना जमीर जोड़ेंगे और सीगा जमा का लाएंगे, जा अतनी हिंदुन व ज़ैनबु व रुकैयतु अनफुसुहुन्ना। और जबकि किला और किलता ये तस्निया के लिए आते हैं, मुजक्कर के लिए किला हुमा और मुअन्नस के लिए किलता हुमा आएगा, जा अनी ज़ैदुन व अमरुन किला हुमा, जा अतनी हिंदुन व ज़ैनबु किलता हुमा। और जबकि बाकी अल्फाज कुल्लुन और अजमाऊ अबताऊ अक्ताऊ अबसाऊ वगैरह उनके अंदर कहते हैं वो सिर्फ मुफरद और जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, तस्निया के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो फिर इनके इस्तेमाल का क्या तरीका बतलाया कि कुल्लुन के साथ सिर्फ जमीर बदलेगी, मुफरद के लिए मुफरद की जमीर रहेगी, अलबत्ता मुजक्कर के लिए वो मुजक्कर होगी और मुअन्नस के लिए मुअन्नस, इसी तरह जमा के लिए जमा की जमीर आएगी, अलबत्ता मुजक्कर के लिए जमा मुजक्कर और मुअन्नस के लिए जमा मुअन्नस की जमीर रहेगी। मसलन इश्तरैतुल अब्दा कुल्लहू और इश्तरैतुल जारियता कुल्लहा, और ये तो मुफरद थे, और जमा के लिए इश्तरैतुल अबीदा कुल्लहुम, मैंने तमाम गुलाम खरीद लिए, बात समझ में आ गई, या तल्लक्तुन निसा कुल्लहुन्ना, मैंने उन तमाम औरतों को तलाक दे दी। जबकि अजमाऊ अक्ताऊ अबताऊ वगैरह जो हैं उनके सिर्फ सीगे बदलेंगे क्योंकि उनके साथ कोई जमीर जुड़ी हुई नहीं है। और फिर ये मुफरत के लिए मुजक्कर हो तो अजमाऊ और मुअन्नस हो तो जमाऊ, और जमा में ये अलिफ तानीस वाला है तो ये गैर मुनसरिफ है, ये दो सबबों के कायम मकाम है। ये किसके लिए आते हैं, मुफरत के लिए भी और जमा के लिए भी। मुफरत के लिए वो मुजक्कर भी हो सकता है मुअन्नस भी, मुजक्कर हो वो मुफरत तो अजमाऊ, मुअन्नस हो तो जमा, और अगर तस्निया के लिए तो आते नहीं है, और अगर मुअक्कद जो है वो जमा हो तो वो या मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, जमा हो तो अजमाऊना और मुअन्नस हो तो जुमाउन जुमाउन। मसलन मैं कहता हूं इश्तरैतुल अब्दा अजमा, इश्तरैतुल अब्दा अजमा, और अगर बांदी हो तो इश्तरैतुल जारियता जमा, बात समझ में आ गई। और जमा के लिए यूं कहेंगे जा अनिल कौमु अजमाऊना या इश्तरैतुल अबीदा अजमाईना, इश्तरैतुल अबीदा अजमाईन हालत नस्बी में ले गए। और मुअन्नस में कहेंगे जाअतिन निस्वतु जुमाउन, अन निस्वा वो औरतें, कोई खास मुअय्यन जमात उनकी मुराद है, उसकी तरफ इशारा है, जाअतिन निस्वतु जुमाउन, माना समझ में आ गया। तो ये तो मैंने बताया अजमाऊ जमाऊ अजमाऊना और जुमाउन, बाकी भी इसी तरह है। मसलन अकताऊ है तो यू कहेंगे अकताऊ मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए कताऊ और जमा के लिए अकताऊना और कुताउन, और इसी तरह अबताऊ है भाई अबताऊ बताऊ अबताऊना बुताउन, और इसी तरह अबसाऊ है अबसाऊ बसाऊ अबसाऊना और बुसाउन। अब आइए आज के सबक पर देखिए भाई, वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमा इल्ला दु अजजा इन मुफ्रदन कान औ जमा, भाई पहले सिर्फ मतन मतन देख लीजिए, कहते हैं वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमा इल्ला दु अजजा इन यसिह इफ्तिराकुहा हिस्सन औ हुक्मन, मिस्ल अकरमतुल कौम कुल्लहुम वश्तरैतुल अब्द कुल्लहु बिखिलाफ जा ज़ैदुन कुल्लहु। भाई याद रखिए कि जो कुल्लुन और अजमाऊ हैं ये ताकीद के लिए आते हैं, आपने पढ़ लिया, और याद रखो ये शुमूल और इज्तिमा का फायदा देते हैं, तो ये हमेशा ऐसी चीज की ताकीद के लिए आएंगे जिसके अजजा हों, ये जिसके अजजा हों उसी की ताकीद के लिए आएंगे, और नीज वो अजजा भी ऐसे होने चाहिए कि हकीकतन या हुक्मन वो एक दूसरे से जुदा हो सकें, क्योंकि इन्होंने किस चीज का फायदा देना है कुल्लुन और अजमाऊ ने, इज्तिमा और शुमूल का, और इज्तिमा और शुमूल वहीं हो सकता है जहां एक चीज के अजजा हों,
अज्जा होंगे तो शुमूल होगा कि सारे अज्जा आ गए, और वो अज्जा भी कैसे हों, एक दूसरे से जुदा हो सकें। अगर वो एक दूसरे से जुदा ही नहीं हो सकते तो फिर शुमूल का क्या माना, इज्तिमा का क्या माना। मसलन मैं कहता हूं जा अनी जैदुन, जैद मेरे पास आया। अब मैं इसकी ताकीद कुल्लुहू के साथ लाना चाहता हूं, जा अनी जैदुन कुल्लुहू, मेरे पास पूरा का पूरा जैद आया। देखो अब यहां आप कुल्लुहू को ताकीद नहीं बना सकते, क्योंकि जैद अगरचे उसके अज्जा हैं लेकिन ये अज्जा एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। क्या देखो मजीअत का जिक्र हो रहा है, क्या मजीअत में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ जैद का सर आपके पास आ जाए बाकी अज्जा ना आए, या सिर्फ हाथ आ जाए या सिर्फ पांव आ जाए। तो देखो मजीअत के अंदर जैद के अज्जा जुदा नहीं हो सकते, लिहाजा यहां कुल्लू और अजमाऊ के साथ ताकीद लाना भी सही नहीं। या आप कहते हैं जा अनिल गुलाम कुल्लुहू, मेरे पास वो गुलाम पूरा का पूरा आया। नहीं भाई, मजीअत के अंदर अज्जा जुदा नहीं हो सकते। तो कुल्लू और अजमाऊ तो हमेशा किसकी ताकीद के लिए आते हैं, ऐसी चीजों की ताकीद जिसके अज्जा हो और वो अज्जा एक दूसरे से जुदा भी हो सके। जैद और गुलाम के अज्जा तो हैं लेकिन जुदा नहीं हो सकते मजीअत के अंदर। हां अगर अज्जा हो और वो जुदा भी हो सकते हैं फिर कुल्लू और अजमाऊ के साथ ताकीद लाना सही है। जैसे अलकौम, मसलन अलकौम से आठ अफराद की मैं एक जमात मुराद लेता हूं, वो अलकौम वो लोग भाई। अब देखो इस अलकौम के अज्जा हैं, अफराद हैं वो आठ अफराद, और उनका हिस्सन एक दूसरे से अलहदा होना मुमकिन है कि दो आए या चार आए या पांच आ जाएं। तो देखो अलकौम ऐसा लफ्ज है जिसके अफराद यानी अज्जा हैं और वो अज्जा हिस्सन एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। हिस्सन का माना जो आंखों से नजर आए, मसलन मेरे पास सिर्फ चार आ जाते हैं बाकी चार नहीं आते, तो देखो जुदाई आ गई अफराद के अंदर। या बाज औकात हकीकतन यानी आंखों से नजर नहीं आते लेकिन हुक्म लगा दिया जाता है अज्जा के जुदा होने का। मसलन आप कहते हैं इश्तराइतुल गुलामा या इश्तराइतुल अब्दा कुल्लहू, मैंने पूरा गुलाम खरीद लिया। अब देखो खरीदने के अंदर गुलाम के अज्जा हो सकते हैं कि आप निसफ गुलाम खरीद लें या सुलुस खरीद लें। मसलन आपने निसफ गुलाम खरीद लिया, अब निसफ के मालिक आप हैं, निसफ का मालिक दूसरा आदमी है, तो आपस में तकसीम कर लेते हैं कि भाई दो दिन ये मेरी खिदमत किया करेगा, फिर दो दिन आपकी खिदमत किया करेगा, फिर दो दिन मेरी खिदमत करेगा, इस तरह आपस में तकसीम कर लेते हैं। सूरत समझ में आ रही है? तो देखो इस शिरा के अंदर गुलाम के अज्जा हो सकते हैं लेकिन वो अज्जा हकीकतन जो है जुदा नहीं होते। हां हुक्मन जुदा हो जाते हैं कि आधे का मालिक एक है और आधे का मालिक दूसरा। तो मालूम हुआ कुल्लुन और अजमाऊ के जरिए ताकीद लाते हैं और ये फायदा शुमूल और इज्तिमा का देते हैं, और ये वहीं पर आएंगे जहां शुमूल और इज्तिमा का फायदा भी हो सके, और शुमूल और इज्तिमा का फायदा उसी चीज में हो सकता है जिसके अज्जा हों और वो अज्जा भी कैसे हों, एक दूसरे से जुदा हो सकें, चाहे वो जुदा होना हिस्सन हिस्सन हो या हुक्मन हो। हिस्सन क्या माना, आंखों से वो अफराद का या अज्जा का अलग होना नजर आता हो कि अलग हो जाते हैं, और या हुक्मन अज्जा अलग हो यानी हकीकत में तो अज्जा अलग नहीं होते। मैंने आधा गुलाम खरीदा और आधा जैद ने खरीदा, तो देखो हकीकतन तो अज्जा तकसीम नहीं हुए लेकिन हुक्मन अज्जा क्या हो गए, तकसीम हो गए, हुक्म लगा दिया गया। बात समझ में आ गई जी। अब देखिए मतन देखिए, सिर्फ कहते हैं वल्ला यू अक्कदु बिकुल्लिन व अजमा, और ताकीद नहीं लाई जाती कुल्लुन और अजमाऊ के साथ। भाई मैंने पढ़ा वल्ला यू अक्कदु बिकुल्लिन व अजमा, ये अजमा इसको मैंने मनसूब क्यों पढ़ा? शाबाश, ये मनसूब नहीं है, ये भी मजरूर है, अलबत्ता ये गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ का जर आता ही फतहा की सूरत में है। और दो सबब क्या इसमें, एक वजने फेल है अजमा अकरम, और दूसरा ये अलम है, अजमा से अजमा का लफ्ज मुराद है तो ये उसके लिए अलम बन गया। तो कहते हैं वला यू अक्कदु बिकुल्ल व अजमा इल्ला दु अजजा इन, और ताकीद नहीं लाई जाती कुल्लुन और अजमाऊ के साथ इल्ला दु अज्जा इन, मगर उस चीज की जो अज्जा वाली हो जिसके अज्जा हो। यसिह्हु इफ्तिराकुहा,
देखो अज्जा नकेरा है और नकेरा के बाद यसेहु फेल आया और नकेरा के बाद फेल आया तो उसके लिए क्या बनता है सिफत। और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। आप देखो ये अज्जा ऐसे अज्जा यसेहु इफ्तिराकुहा कि जिनका जुदा होना सही हो। अब तर्जमा सुनो, कहते हैं वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमा और ताकीद नहीं लाई जाती कुल्लुन और अजमाऊ के साथ इल्ला दु अज्जा इन यसेहु इफ्तिराकुहा मगर ऐसे अज्जा वाली चीज की, ऐसे अज्जा वाली चीज की कि उन अज्जा का जुदा होना सही हो। हिस्सन औ हुक्मन, हिस्सन यानी आंखों के से नजर आए, हिस्सन जुदा होना मुमकिन हो सही हो औ हुक्मन या हुक्मन उन अज्जा का जुदा होना सही हो। मिस्लु अकरम तुल कौम कुल्लहुम, मिसाल के तौर पर अकरम तुल कौम कुल्लहुम मैंने उन सब लोगों का इकराम किया। अब अल कौम के अफराद हैं और उनका जुदा होना मुमकिन है और आंखों से भी नजर आता है अफराद जुदा हो गए, चंद अफराद आ गए या सारे आ गए। वश्तरैतुल अब्द कुल्लहु और मैंने पूरा गुलाम खरीद लिया। अब गुलाम के अज्जा हिस्सन तो जुदा नहीं होते लेकिन हुक्मन जुदा हो जाते हैं। बिखिलाफ जा अज़ैदुन कुल्लुहु, बखिलाफ जा अज़ैदुन कुल्लुहु कि यह कहना सही नहीं क्योंकि इसके अज्जा नहीं, इसके अज़ैद के अज्जा नहीं मजीद। वैसे तो ज़ैद के अज्जा हैं भाई, हाथ हैं, पांव हैं, सर है, आंखें हैं, अज्जा तो हैं लेकिन उनका जुदा होना सही नहीं, वो जुदा नहीं होते भाई मजीद के अंदर। और मजीयत में तो गुलाम के अज्जा भी जुदा नहीं होते लिहाजा गुलाम के लिए भी आप ये नहीं कह सकते जा अनिल अब्दु कुल्लुहु मेरे पास सारा गुलाम आया। इश्तराइतुल अब्दा कुल्लुहु कह सकते हैं, जा अनिल गुलाम कुल्लुहु नहीं कह सकते क्योंकि मजीयत के अंदर गुलाम का भी वही हुक्म है जो जैद का है। जैसे जैद के अज्जा नहीं हो सकते गुलाम के भी नहीं हो सकते लेकिन शेरा के अंदर यानी खरीदने में गुलाम के अज्जा हो सकते हैं, वहां आप कुल्लुन और अजमाऊ के साथ ताकीद ला सकते हैं। ये माना है बिखिलाफ इजा अज़ैदुन कुल्लुहु कि बखिलाफ इस मिसाल के कि यहां पर कुल्लुन के साथ ताकीद लाना सही नहीं लिहाजा ये दुरुस्त जुमला नहीं भाई। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए, कहते हैं वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमा इल्ला दु अज्जा इन और ताकीद नहीं लाई जाती कुल्लुन और अजमाऊ के साथ इल्ला दु अज्जा इन मगर अज्जा वाले की, वो चीज जिसके अज्जा हो मुफ्रदन काना औ जमअन, चाहे वो चीज मुफरद हो या जमा हो। भाई बतलाया था ना कि कुल्लू और अजमाऊ तस्निया की ताकीद के लिए नहीं आते, मुफरद और जमा की ताकीद के लिए आते हैं। तो बहरहाल चाहे वो मुफरद हो तो भी उसको जू अज्जा होना चाहिए, चाहे जमा हो उसको भी जू अज्जा होना चाहिए अज्जा वाला। इल्ला दू अज्जा इन मगर अज्जा वाली हो वो चीज मुफरदन काना औ जमअन, मुफरद हो चाहे हो या जमा हो। इदिल कुल्लियतु वल इज्तिमाउ ला यतहक्ककानि इल्ला फीही, इदिल कुल्लियतु इसलिए क्योंकि कुल होना वल इज्तिमाउ और इज्तिमा होना इकट्ठा होना ला यतहक्ककानि वो पाए नहीं जाते इल्ला फीही मगर इसी में, यानी जो अज्जा वाली हो उसी में पाए जा सकते हैं कुल होना भी और इकट्ठा होना भी। वला हाजत इला दिक्रिल अफरादी और कोई हाजत नहीं है अफराद के जिक्र की। ये एक दरअसल एतराज का जवाब देना चाहते हैं कि साहिब काफिया की इबारत जामिया नहीं, साहिब काफिया को यूं कहना चाहिए था वला यू अक्कदु बिकुल्लिन व अजमा इला दु अज्जा इन व जू अफराद, जू अज्जा इन और जू अफराद, इसलिए क्योंकि हर चीज के अज्जा नहीं होते, बास चीजों के अफराद होते हैं। गुलाम के तो अज्जा थे निसफ रुबो सुलुस, ये अज्जा हैं, ये क्या हैं अफराद नहीं है। क्या निसफ गुलाम अलग है निसफ अलग है, नहीं नहीं ये उसी के अज्जा हैं निसफ रुबो सुलुस। या कोई और चीज होती है मसलन खाने पीने की चीज है वहां उसमें आप अज्जा कर सकते हैं, वहां अज्जा होंगे, क्या होंगे अज्जा। लेकिन बास चीजों में अफराद होते हैं मसलन जा अनिल कौम कुल्लुहुम, कौम कौम के तो अफराद होते हैं अज्जा नहीं होते, दो होंगे चार होंगे पांच होंगे छह होंगे वो उसके अफराद हैं भाई अज्जा नहीं है। तो कुछ चीजें हैं उनके क्या होते हैं अज्जा,
और कुछ चीजों के अफराद, तो जू अजजा तो कह दिया साहिबे काफिया ने, जू अफराद नहीं कहा, तो अफराद वाले तो रह गए, वो तो इस तारीफ में दाखिल नहीं, हालांकि उनको भी दाखिल होना चाहिए। तो साहिबे जामी बतलाएंगे कि भाई जू अजजा कहना काफी है, अफराद वाले भी इसमें दाखिल हो गए, अफराद वाले भी इसमें दाखिल हो गए। भाई किस तरह दाखिल हो गए? कहते हैं भाई जिस चीज के अफराद हों उनकी ताकीद कुल और अजमाऊ के साथ तब ही लाएंगे जब वो तमाम अफराद इकट्ठे मलहूज हों। जानिल कौम कुल्लुहुम, कौम की ताकीद कुल में तभी लाऊंगा जब इसके तमाम अफराद इसमें मलहूज हों, कि तमाम अफराद मुराद हैं। क्या मुराद हैं? तो तमाम अफराद होंगे तो तभी मैं कुल्लुहुम या अजमाउन, जानिल कौम कुल्लुहुम, तो तभी मैं कुल्लुहुम या अजमाउन इसकी ताकीद ला सकता हूं। और जब तमाम अफराद इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे मलहूज हैं तो गोया वो अज्जा के दर्जे में हो गए। किसके दर्जे में हो गए? अज्जा। तो जब तक वो अफराद अज्जा के दर्जे में नहीं होंगे तब तक कुल्लू और अजमाऊ के साथ आप उनकी ताकीद ही नहीं ला सकते। तो जानिल कौम, वो लोग मेरे पास आए, कुल्लुहुम सारे के सारे, तो ये अलकौम क्या तो अफराद हैं, इसकी तो अज्जा नहीं, लेकिन मैं इसकी ताकीद क्या लाया? कुल्लुहुम। कब लाऊंगा कुल्लुहुम? जब कौम के तमाम अफराद इकट्ठे हैं, उन सब पे मैं मजीअत वाला हुक्म लगा रहा हूं, तो वो सारे अफराद इकट्ठे मलहूज हैं। जब सारे अफराद इकट्ठे मलहूज हैं तो गोया ये उस चीज का कुल बन गया। ये क्या बन गया? कुल बन गया। और जब कुल बन गया मालूम हुआ ये सब इसके अज्जा हैं। कुल किसे कहते हैं? सारी चीज को। और सारी उसी को कहेंगे जिसके क्या हो? अज्जा हो। भाई अज्जा नहीं तो फिर उसको कुल भी नहीं कहते। तो हासिल कलाम क्या, एतराज क्या हुआ था कि आपने जू अज्जा कहा, जू अफराद नहीं कहा, तो जिसके अफराद हैं वो तो निकल गए, अलकौम भी निकल गई, इंसान भी निकल गए, इंसान के अफराद होते हैं भाई जैद अमर बकर खालिद वगैरह। तो बतलाया कि भाई ये जो कुल और अजमाऊ हैं इनको ताकीद बनाते हैं जू अफराद के लिए भी। किसके लिए? जू अफराद के लिए भी ताकीद बनाते हैं। अलकौम क्या है? जू अफराद है, इसके अफराद हैं, अज्जा नहीं, लेकिन जू अफराद के लिए भी कुल और अजमाऊ उस वक्त ताकीद बनते हैं जब उसके तमाम अफराद इकट्ठे मलहूज हैं और उन पर एक हुक्म लगा रहे हैं। और जब वो तमाम अफराद इकट्ठे मलहूज हैं तो गोया वो कुल बन गए, यानी वो अफराद जुज के दर्जे में आ गए, वो गोया वो अज्जा बन गए। वो अफराद क्या बन गए? अज्जा बन गए। जब अज्जा बने उसके बाद ही इज्तिमा वाला हुक्म लगा सकते हैं आप, कुल्लुन और अजमाऊ वाला। तो जब तक वो अफराद अज्जा नहीं बनेंगे उस वक्त तक उनके लिए कुल्लुन और अजमाऊ के साथ ताकीद लाना सही ही नहीं। तो लिहाजा जो अज्जा काफी है, जो अफराद लाने की जरूरत ही नहीं, जो अफराद सब इसके अंदर ही दाखिल हो गए, क्योंकि वो भी जब इकट्ठे और मुश्तमे होंगे तो उस चीज के लिए क्या बन जाएंगे? अज्जा ही के दर्जे में हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? कहते हैं वला हाजत इला दिक्रिल अफराद, और कोई हाजत नहीं है अफराद के जिक्र की, ले अनल कुल्ली मालम तुलाहज अफराद हूं मुजतमियातन, इसलिए क्योंकि कुल्ली जो है जब तक इसके तमाम अफराद को मुलाहजा न किया जाए मुजतमियातन इकट्ठे, कि वो सब क्या हैं? मुजतमे हैं। वलम तसिर अज्जा अन, और जब तक वो अफराद अज्जा न बन जाए ला यसिहु ताकीदुहु बिकुल्लिन व अजमा, तो उस वक्त तक उनकी ताकीद कुल्लुन और अजमाऊ के साथ लाना सही ही नहीं। कुल्ली के अफराद जब तक इकट्ठे मलहूज ना हो और वो अज्जा के दर्जे में ना हो जाए उस वक्त तक उनकी ताकीद कुल्लुन और अजमाऊ के साथ ला ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? फिर देखिए कहते हैं लिअन नल कुल्लिया मालम तुलाहज अफराद हूं मुजतमियातन वलम तसिर अज्जा अन, इसलिए क्योंकि कुल्ली जो है जब तक इसके अफराद को मुलाहजा न किया जाए इस तौर पर कि वो इकट्ठे हों, वलम तसिर अज्जा अन, और जब तक कि जो है इसके अफराद जो है वो अज्जा न बन जाए ला यसिहु ताकीदुहु बिकुल्लिन व अजमा, तो उस वक्त तक उसकी ताकीद कुल्लुन और अजमाऊ के साथ लाना सही नहीं। ويجب ان تكون تلك الاجزاء بحيث يصح افتراقها حصن, और वाजिब है जरूरी है कि वो अज्जा जो हैं इस तौर पर हों कि यसिह इफ्तिराकुहा हिस्सन, कि सही हो जुदा होना उनका हिस्सी तौर पर, यानी आंखों से नजर आए भाई,
यसहफ तेरा कुहा हिसन, सही हो उनका जुदा होना यानी मुमकिन हो उनका जुदा होना हिसन हिस्सी तौर पर, का अज्जा इल कौमी जैसे कि कौम के अज्जा हैं यानी वो जो अफराद हैं, औ हुक्मन या उनका जुदा होना हुक्मन मुमकिन हो, का अज्जा इल अब्दी जैसे कि गुलाम के अज्जा होते हैं, लियकून फी ताकीद बिकुल व अजमा फायदतुन ताकि ये जो कुल्लू और अजमाऊ के जरिए ताकीद लाई जा रही है इसका कोई फायदा हो। भाई कुल्लुन और अजमाऊ तो शुमूल का फायदा देते हैं, तो शुमूल वहीं होगा जहां अज्जा होंगे, तो लिहाजा वो चीज उसके अज्जा ऐसे हों जो जुदा हो सके हिस्सी तौर पर या हुक्मी तौर पर, तब ही ये कुल्लू और अजमाऊ कोई फायदा देंगे, वरना तो इनका कोई फायदा ही नहीं। तो यही बात कर रहे हैं कि अज्जा होने चाहिए जो हिस्सन जुदा हो या हुक्मन जुदा हो, लियकून फी ताकीद बिकुल व अजमा फायदतुन ताकि कुल्लुन और अजमाऊ की ताकीद के जरिए कोई फायदा हो यानी शुमूल और इज्तिमा का। मिस्लु अकरमतुल कौम कुल्लहुम, मैंने इकराम किया उन सब लोगों का, वश्तरैतुल अब्द कुल्लहु और मैंने वो पूरा गुलाम खरीद लिया, फ़इन्नल अब्द क़द यतजज़ऊ फ़िल इश्तिराई, इसलिए क्योंकि गुलाम जो है कभी कभार जो है वो अज्जा उसके हो जाते हैं, फ़िल इश्तिराई किस चीज में, इश्तिरा खरीदने में वो तकसीम होता है उसके अज्जा हो जाते हैं, फ़यसिहु ताकीदुहु बिकुल्लिन तो उसकी ताकीद कुल्लुन के साथ लाना सही है, लियुफीद शुमूल ताकि ये कुल्लुन शुमूल का फायदा दे, बिखिलाफी जा ज़ैदुन कुल्लुहु बखिलाफ इस मिसाल के कि ये सही नहीं, लिअदमी से खतिफ तेरा की अज्जाई ही इसलिए क्योंकि सही नहीं है इस ज़ैद के अज्जा का जुदा होना, ला हिस्सन वला हुक्मन न हिस्सी तौर पर और न हुक्मन यानी हिस्सन भी इसके अज्जा जुदा नहीं हो सकते और हुक्मन भी जुदा नहीं हो सकते, फी हुक्मिल मजी आने के हुक्म में, आने के अंदर इसके अज्जा जुदा नहीं हो सकते। आगे देखिए मतन मतन देखिए, कहते हैं वईदा उक्किदा जमीर उल मरफू उल मुत्तसिल बिन नफ्सी वल आईनी उक्किदा बिमुनफसिलिन मिसलु जराबता अंता नफ्सु का। भाई याद रखिए अब जाब्ता बतला रहे हैं, जमीर मरफू मुत्तसिल, जमीरे मरफू मुत्तसिल आपने पढ़ा था, जमीरे मरफू मुत्तसिल पर जब अतफ करते हैं तो पहले उसकी ताकीद लाएंगे या फसल हो जाए तो भी काफी है। जमीरे मरफू सिर्फ किससे जुड़ती है, फेल से, जाराबतु ये क्या है, जमीरे मरफू मुत्तसिल, जाराबा इसके अंदर हुआ है जमीरे मरफू मुत्तसिल, ये फाइल है सब। भाई बात समझ में आ रही है, तो जमीर मैंने बताया था जमीर कितनी किस्म पर है, पांच किस्म पर, या वो मरफू होगी या मनसूब या मजरूर, फिर इनमें से जो मरफू है या मुत्तसिल होगी या मुनफसिल, और इसी तरह मनसूब भी या मुत्तसिल होगी या मुनफसिल होगी, और मजरूर सिर्फ मुत्तसिल ही है। और फिर बताया था कि मरफू मुत्तसिल ये सिर्फ फेल के साथ जुड़ती है, शिबे फेल के साथ भी जुड़ती है सिफत के सिखों के साथ, लेकिन वो भी फेल ही के हुक्म में है, फेल में ही दाखिल हो गए, तो ये सिर्फ किसके साथ जुड़ती है, फेल के साथ। और जबकि मंसूब मुत्तसिल जो है वो हर्फ के साथ भी जुड़ती है और फेल के साथ भी, इन्ना हो ये इन्ना के साथ हाज अमीर जुड़ गई, और इन्ना अपने इसम को क्या देता है, नसब, तो मालूम हुआ यह हाज अमीर मंसूब है, यह इन्ना का इसम है। और यह फेल के साथ भी जुड़ती है, जराब तू का, जराब तू के अंदर ता फाइल है और ये काफ जमीर क्या है, मनसूब मुत्तसिल, तो मरफू मुत्तसिल सिर्फ फेल से जुड़ती है, मनसूब मुत्तसिल किससे जुड़ती है, हर्फ से भी और फेल से भी, जबकि मजरूर मुत्तसिल जो है वो हर्फ से भी जुड़ेगी और इसम से भी जुड़ेगी, जैसे जैसे फी ही, ये फी के साथ हा जमीर जुड़ गई, और इसी तरह इसम के साथ भी ये जुड़ेगी, किताबी ये या जमीर देखो इसम के साथ जुड़ गई। तो ये जो जमीर है मरफू मुत्तसिल है, जब इस पर आतफ करते हैं तो दो चीजों में से एक चीज होनी चाहिए, या क्या लाएंगे उसकी ताकीद लाएंगे, और अगर फसल आ जाए तो ताकीद को छोड़ भी सकते हैं। तो यहां पर भी यही बतलाएंगे कि जमीर है मरफू मुत्तसिल आप उसकी ताकीद लाना चाहते हैं नफ्स और ऐन के साथ, इन दो लफ्जों के साथ, याद रखना जमीर मरफू मुत्तसिल की आप ताकीद लाना चाहते हैं किसके साथ,
नफ्स और ऐन के साथ, बाकी लफ्जों की बात नहीं हो रही, सिर्फ नफ्स और ऐन की बात हो रही है। तो जमीर मरफू मुत्तसिल की आप ताकीद लाना चाहते हैं नफ्स और ऐन के साथ, तो कहते हैं पहले उसकी ताकीद जमीर मरफू मुनफसिल के साथ ले आओ। मसलन देखो, मिसाल से वजाहत होगी, जरबतू मैंने पिटाई की, अब मैं इसकी ताकीद लाना चाहता हूं नफ्स के साथ, और नफ्स के साथ जमीर जोड़ते हैं उसी की जिसके साथ जिसकी यह ताकीद बन रहा है, और मैं किसकी ताकीद बनाना चाहता हूं जराबतू, ये मुतकल्लिम की, तो इसके साथ या जमीर मुतकल्लिम की जोड़ेंगे, जराबतू नफ्सी, जराबतू नफ्सी, ये नफ्स को मैं क्या बनाना चाहता हूं जराबतू की ता के लिए ताकीद बनाना चाहता हूं, तो पहले जमीर मुनफसिल दरमियान में लाओ, जराबतू की ताकीद लाओ, क्या ताकीद होगी जराबतू आना, फिर आगे नफसी ले आए, जराबतू आना नफसी, तरीका समझ में आया। तो जमीर मरफू मुत्तसिल की जब ताकीद लाए नफ्स और ऐन के साथ, तो क्या जरूरी कि उसकी ताकीद लाओ किसके साथ, उसकी ताकीद लाओ किसके साथ मुनफसिल के साथ, जरबतू आना नफसी। अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने खुद पिटाई की, आपने जरबतू आना नफसी का क्या माना था मैंने खुद पिटाई की, अब आप मैं कहना चाहता हूं आपने खुद पिटाई की, तो क्या कहूंगा जरबता, जरबता ताकीद लाओ अंता और आगे नफ्स का लफ्ज लाओ और साथ उसी की जमीर जोड़ो जिसकी ताकीद बना रहे हैं नफ्सा का, नफ्सा का ये किसकी ताकीद है जराबता अंता नफ्सा का, ये नफ्सा का किसकी ताकीद जराबता की ता की, जराबता की ता, उसका एराब बोलो जराबता मरफू क्यों है फाइल है और मुअक्कद ताकीद कहे कि अराब, तो मुअक्कद मरफू तो ताकीद भी क्या होगी मरफू, तो क्या कहेंगे कैसे पढ़ेंगे जराबता अंता फिर नफ्सा का, किसकी ताकीद है नफ्सा का जराबता की ता की, ता पर जबर है, बाप नफ्सा का पर भी जबर पढ़ रहे हैं, ता का एराब बोलो मरफू है तो ताकीद पर क्या होगी मुअक्कद, ताकीद तवाबे में से है ना, उस पर वही अराब आता है जो मुअक्कद पर हो, तो इस पर पढ़ो नफसू का, क्या कहेंगे नफसू का, मुअक्कद पर जो अराब वही नफ्स के लफ्ज पर भी वही अराब आएगा जराबता अंता नफसू का। पिछले जुमले में क्या था जराबतू आना नफसी, वहां तो वो या की तरफ मुजाफ हो गया था, और कोई भी इसम या की तरफ मुजाफ हो जाए अलावा जमा मुजक्कर सालिम के उसका इराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है, इसलिए वहां नफसी मैंने पढ़ा था, और यहां तो इराब आ सकता है, तो जराबता अंता नफसू का। गायब का ले आओ, गायब की जमीर जराबा के अंदर हुआ जमीर है, मैं उसकी ताकीद नफ्स के साथ लाना चाहता हूं, बोलिए किस तरह पढ़ेंगे जराबा हुआ नफ्सू, गायब की जमीर, गायब की जमीर की ताकीद है तो गायब की जमीर ही साथ जोड़ो, जराबा हुआ, जराबा हुआ नफ्सुहू, तरीका समझ में आया, जराबतू आना नफ्सी, जराबता अंता नफ्सू का, और जराबा हुआ नफ्सुहू, तरीका समझ में आ गया। तो कहते हैं देखिए मतन मतन, कहते हैं वईदा उक्किदा जमीर उल मरफू उल मुत्तसिल, और जब ताकीद लाई जाए जमीर मरफू मुत्तसिल की बिन नफ्सी वल आइन, सिर्फ मतन मतन पे नजर रखें, वईदा उक्किदा जमीर उल मरफू उल मुत्तसिल, और जब ताकीद लाई जाए जमीर मरफू मुत्तसिल की बिन नफ्सी वल आइनी, नफ्स और आइन के लफ्ज के साथ, उक्किदा भी मुनफसिलिन, तो उसकी ताकीद लाई जाएगी मुनफसिल के साथ, किसके साथ मुनफसिल के साथ, मिसलु जाराबता अंता नफसू का, इबारत समझ में आ रही है, नफसू का पढ़ना नफसा का नहीं पढ़ना, क्योंकि फाइल की ताकीद है। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए, कहते हैं वह इदा उक्किदा जमीरुल मरफूउल मुत्तसिलु, और जब ताकीद लाई जाए जमीर मरफू मुत्तसिल की बारिजन कान औ मुस्तकिनन, चाहे वो जमीर मरफू मुत्तसिल बारिज हो या मुस्तकिन हो यानी छुपी हुई हो, देखो जराबतु ये ता जमीर बारिज है, जराबता ये ता जमीर बारिज है जिस पर हम तलफुज कर रहे हैं, और जाराबा के अंदर हुआ जमीर थी वो मुस्तकिन थी मुस्ततिर थी, तो बहरहल है सब जमीरें मरफू मुत्तसिल, तो चाहे बारिश हो चाहे मुस्ततिर, आप उसकी ताकीद लाना चाहते हैं नफ्स और ऐन के साथ।
तो कहते हैं वईजा उक्कीदा जमीरुल मरफूउल मुत्तसिल, और जब ताकीद लाई जाए जमीर मरफू मुत्तसिल की, बारिजन काना मुस्तकीनन, चाहे वो जमीर मरफू मुत्तसिल बारिज हो या मुस्तकीन हो, बिन नफ्सी वल आईनी, किसके साथ ताकीद लाई जाए, नफ्स और ऐन के साथ, आई ईदा उरीदा ताकीदुहु बिहिमा, यानी जब इरादा किया जाए कि उस जमीर की ताकीद लाई जाए बिहिमा इन दोनों के जरिए। भाई दरअसल ये एतराज होता है यहां, एतराज ये कि यहां शर्त और जजा में मुताबकत नहीं, शर्त और जजा में मुताबकत नहीं। किस तरह, देखो ईजा लाए शर्त में, वह ईजा उक्कीदा, ईजा आता है यकीन के लिए और शक के लिए इन आता है, तो ईजा भी लाए और उक्कीदा फेले माजी भी लाए, और माजी भी यकीन पर दलालत करती है, किस पर, यकीन। तो वह इजा उक्कीदा जमीरुल मरफूउल मुत्तसिलु बिन नफ्सी वल आईनी, जब ताकीद ले आए जमीर मरफू मुत्तसिल की नफ्स और आयन के साथ, तो उक्कीदा भी मुनफसिलेन, तो फिर उसकी ताकीद मुनफसिल से लाएंगे। भाई ये क्या माना कि जब आप जमीर मरफू की ताकीद नफ्स और आयन से ले आए तो फिर उसकी ताकीद किससे लाओ, फिर उसकी ताकीद मुनफसिल के साथ लाओ। जब नफ्स और ऐन के साथ ताकीद ले आए तो फिर ताकीद लाने का क्या माना, जब नफ्स और ऐन को ले आए तो फिर मुनफसिल के साथ ताकीद लाने का क्या माना, पहले लाते ना, जराब तू आना नफसी, जराब तू, और शर्त में क्या कह रहे हैं, जब आप जमीर की ताकीद ले आए नफ्स और ऐन के साथ, जराब तू नफसी, मैं ताकीद ले आया, जब आप ताकीद ले आए तो फिर अब आप क्या करें, मुनफसिल के साथ इसकी ताकीद ले आए। मालूम हुआ पहले नफ्स और आयन से ताकीद लाएंगे तो उसके बाद ही ऐसा करेंगे। इश्काल भी समझ में आ रहा है या नहीं कि जब आप जमीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद नफ्स और आयन के साथ ले आए तो फिर क्या कर दें। इस मसलन मैं कहता हूं इजा जा अगर जैद उन फाजरिब हूं, जब जैद आपके पास आए तो उसकी पिटाई करना, तो पिटाई कब करेंगे, जब जैद आ जाएगा, तो जब शर्त पाई जाएगी फिर जजा आएगी। यहां पर भी इसी तरह है कि जब आप ताकीद ले आए, किसकी ताकीद ले आए, मरफू मुत्तसिल की, किसके साथ, नफ्स और आयन के साथ, जब नफ्स और आयन के साथ आप ताकीद ले आए तो उसके बाद फिर उसकी मुनफसिल से ताकीद लाना, ये तो बात ठीक नहीं, शर्त जजा के मुताबिक नहीं। भाई ताकीद तो पहले लाएंगे, नफ्स और आयन को तो उसके बाद लाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो साहिबे जामी जवाब दे रहे हैं कि भाई यहां उक्कीदा फेल बोलकर इरादा फेल मुराद है। मैंने आपको बताया था अरबी में कभी फेल बोलकर इरादा फेल मुराद होता है, जैसे इदा कुम तुम इलस सलाती, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ। भाई नमाज के लिए खड़े होने के बाद तो वजू नहीं किया जाता, पहले वजू किया जाता है, तो यहां कियाम बोलकर क्या मुराद है, इरादा कियाम मुराद है। इसी तरह हदीस में आया है इदा दखल तुमुल खला, जब तुम बैतुल खला में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ो, तो बैतुल खला से में तो दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ी जाती है, तो वहां इरादा दुखूल है, दुखूल बोलकर इरा, जब तुम्हारा बैतुल खला में दाखिल होने का इरादा हो तो ये दुआ पढ़ लो। तो यहां पर भी उक्कीदा बोलकर इरादा ताकीद मुराद है। बात समझ में आ गई कि जब तुम्हारा यह इरादा हो कि तुम जमीर की ताकीद नफ्स और ऐन से लाना चाहते हो तो फिर पहले क्या ले आओ, ताकीद मुनफसिल के साथ ले आओ। अब बात ठीक हो गई, जब नफ्स और ऐन को ले आओ उसके बाद ताकीद नहीं लाओगे, बल्कि जब नफ्स और ऐन को लाने का इरादा हो तो पहले क्या ले आओ, ताकीद ले आओ। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं आईदा उरीदा ताकीदुहु बिहिमा, यानी जब इरादा किया जाए उस जमीर की ताकीद का बिहिमा इन दो लफ्जों के जरिए, तो उक्कीदा दालिका जमीरु अव्वलन बिमुनफसिलिन, तो ताकीद लाई जाएगी उस जमीर की पहले मुनफसिल के साथ, सुम बिन्नफ्सी वल आईनी, फिर नफ्स और आयन के साथ, मिसलु मिसाल के तौर पर, जारा बता अंता नफ्सु का, तो कहते हैं फनफसु का ताकीद उन लिता इस जमीरी, तो नफ्सु का जो है ये ताकीद है ता जमीर की, बाद ताकीद ही भी मुनफसिलिन, बाद उसके के जब उस जमीर की ताकीद लाई गई मुनफसिल के साथ, हुआ अंता, और वो ताकीद क्या है मुनफसिल के साथ, वो ताकीद वो अंता है, जाराबता अंता, तो पहले अंता लाया गया फिर ताकीद लाई गई नफ्स और आयन के साथ। माना समझ में आ रहा है, कहते हैं इस अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि ये ताकीद क्यों लाते हैं, जमीर मरफू की जब आप
ताकीद लाना चाहते हैं नफ्स और ऐन से तो पहले क्या ले आओ, मरफूअ मुनफसिल ताकीद के तौर पर ले आओ। ये क्यों लाते हैं, इसकी वजह क्या है? कहते हैं इसलिए क्योंकि बाज़ सूरतों में फाइल के साथ इल्तिबास लाजिम आता था, जब बाज़ सूरतों में इल्तिबास लाजिम आता था तो वहां पर हमने हुक्म लगा दिया कि पहले मुनफसिल लाना पड़ेगी, जब मुनफसिल लाओगे तो फाइल से इल्तिबास खत्म हो जाएगा। नफ्स और आयन का फाइल बाज़ सूरतों में तवज्जो है, नफ्स और आयन अगर हम जमीर मरफू के लिए ताकीद लाएं और दरमियान में मुनफसिल नहीं होगी तो बाज़ सूरतों में यह शक और शुबा होता है कि शायद ये नफ्स और आयन ही फाइल हैं, नफ्स और आयन ही फाइल है, तो वहां फिर हमने लाजिम करार दिया कि मुनफसिल बीच में लाओ ताकि पता चल जाए ये फाइल नहीं है बल्कि ये ताकीद हैं। तो बाज जगह जब हम यह हुक्म लगा दिया गया तो फिर सारे बाब का यही हुक्म कर दिया गया, बाकी जगह चाहे इल्तिबास है या नहीं सारों का हुक्म एक कर दिया, तर्दन लिल बाबी, तर्दन लिल बाबी, सारे बाब की मुआफकत के लिए, मुनासबत के लिए, ताकि सारे बाब का हुक्म एक जैसा रहे। यह नहीं कि बाज जगह ताकीद लानी है और बाज जगह ताकीद नहीं लानी। ये इसी तरह है जैसे आपने अकरमा अकरमा की गर्दान पड़ी है, बाबी फाल की गर्दान किस तरह है, युक्रिमु युक्रिमानी युक्रिमोना तुक्रिमु तुक्रिमानी युक्रिमना तुक्रिमु तुक्रिमानी तुक्रिमोना तुक्रिमीना तुक्रिमानी तुक्रिमना उक्रिमु नुक्रिमु। युक्रिमु असल में क्या था, यु अक्रिमु, यह हमजा क्यों गिराया, तो कहते हैं दरअसल वो आखिर में जो मुतकलिम का सीगा आ रहा है उक्रिमु, उक्रिमु असल में क्या था, ओ अक्रिमु दो हमजा थे तो दो हमजा का इज्तिमा सकील था, लिहाजा इसीलिए एक हमजा को गिरा दिया गया उक्रिमु हुआ, और जब इसमें एक हमजा गिराया तो फिर पूरे बाब में हमजा को गिरा दिया। युक्रिमु तो असल में यु अक्रिमु था लेकिन तो उस हमजा को भी गिरा दिया। तवज्जो है, क्योंकि मुजारे किस तरह बनाते हैं, माजी के शुरू में अलामत मुजारे लाते हैं और माजी में अक्रमा है उसके शुरू में या ले आओ, तो फिर यू अक्रिमो होना चाहिए था। तो हमजा क्यों गिराया, क्योंकि एक सिगे में सिकल आ रहा था, जब उसमें गिराया तो तर्दन लिलबाब सारे सारी गर्दान में हमजा को गिरा दिया। तो यहां पर भी इसी तरह एक जगह जब नफ्स और आयन का फाइल के साथ इल्तिबास आ रहा था और वहां पर हमने ताकीद लाजमी करार दे दी तो फिर बाकी सारे बाब में भी उस ताकीद को लाजमी करार दिया गया, तर्दन लिल बाब, ताकि सारे बाब का एक हुक्म हो जाए। जैसे देखो मिसाल समझ लो, मसलन मसलन जैदुन जाराबा नफ्सुहु, तवज्जो से सुनो, जैदुन जाराबा नफ्सुहु, तो ये जैदुन है मुब्तदा और जाराबा ये है खबर, और जाराबा के अंदर हुआ जमीर है और इस हुआ जमीर की मैं ताकीद नफ्सुहु से लाना चाहता हूं, किसके साथ, नफ्सुहु से लाना चाहता हूं, तो पहले हुआ जमीर ताकीद लाऊंगा, जाराबा हुआ नफ्सुहु, जाराबा हुआ नफ हुआ नफ्सुहु। वजह यह कि अगर इस हुआ को हटा दें और यूं कहें जैदुन जाराबा नफ्सुहु तो यूं लगेगा यह नफ्सुहु फाइल है जाराबा का, यह नफ्सुहु क्या है, ये फाइल है जाराबा का, और यह नफ्स और ऐन का लफ्ज कलाम में फाइल बनते रहते हैं भाई, तो लिहाजा फौरन सुनने वाले के जहन में यह आएगा कि यह फाइल है, ताकीद का ख्याल उसके जहन में नहीं आएगा, जैदुन जराबा नफ्सुहु, तो वह कहेगा शायद यह नफ्सुहु फाइल है और जराबा के अंदर कोई जमीर नहीं है, लेकिन हम तो ताकीद बनाने का इरादा कर रहे थे, तो अब पहले हुआ ले आओ, जैदुन जराबा हुआ नफ्सुहु, अब यह जो हुआ बीच में आ गया इसने बता दिया कि यह नफ्सुहु फाइल नहीं बन सकता, ये फाइल नहीं है बल्कि जराबा के अंदर हुआ जमीर है, वो है मुअक्कद, और ये हुआ जमीर क्या है, ताकीद, पहले हुआ के साथ ताकीद लाए और फिर आगे नफसुहू के साथ दूसरी ताकीद लाए। बात समझ में आ गई, तो इल्तिबास सिर्फ इस सूरत में आता था जिसमें जमीर मुस्तकीन थी यानी मुस्ततिर थी, जराबा के अंदर हुआ जमीर छुपी हुई थी, तो इस सूरत में नफसुहू का इल्तिबास किससे लाजिम आता था, फाइल से, अगर जमीर बारिश हो फिर तो इल्तिबास का कोई खतरा नहीं, मसलन यूं कहें जाराबता नफसू का, जाराबता नफसू का, अब यहां कोई इल्तिबास का खतरा नहीं क्योंकि जाराबता इसके साथ ताज़मीर फाइल की जुड़ी हुई है,
जराबता नफसू का, यह नफसू का इस जराबता के लिए फाइल नहीं बन सकता क्योंकि नफसू का इसमें जाहिर है और इसमें जाहिर सिर्फ पहले और चौथे सिगे के लिए फाइल बन सकता है और किसी सिगे के लिए नहीं बन सकता। तो यह जराबता ना तो यह पहला सिगा है ना चौथा सिगा है, तवज्जो है। तो यहां जराबता के अंदर ता जमीर बारिज है, नजर आ रही है, यह फाइल बनेगी और नफसू का क्या बनेगी, उसकी ताकीद। तो यहां देखो नफसू का इसका इल्तिबास फाइल के साथ नहीं आ रहा, यहां जमीर मुनफसिल लाने की कोई हाजत नहीं, लेकिन चूंकि एक जगह इल्तिबास लाजिम आ रहा था वो जमीर मुस्ततिर में, मुस्तकिन में, मुस्तकिन का भी क्या माना मुस्ततिर, तो जमीर मुस्तकिन में इल्तिबास लाजिम आ रहा था, वहां हमने ताकीद बिल मुनफसिल को लाजिम करार दिया, तो अब बाकी सब में भी ताकीद बिल मुनफसिल को लाजिम करार देंगे। तर दन लिल बाब, तो कैसे कहेंगे, जराबता अंता नफसू का, तरीका समझ में आ गया। अब देखिए भाई, कहते हैं इस लव लाजाली का, कहते हैं इसलिए क्योंकि अगर ये ताकीद न होती लल तबसत ताकीद बिल फाइली, तो वो जो ताकीद है नफ्स और आयन वाली वो फाइल के साथ उसका इल्तिबास लाजिम आता। इजा वका ताकीदन लिल मुस्तकिनी, कब, जब ये ताकीद वाके हो मुस्तकिन के लिए, जमीर मुस्ततिर के लिए। नहु ज़ैदुन अकरमनी हुआ नफ्सुहू, जैद के उसने खुद मेरा इकराम किया। अब यहां ये हुआ ना होता तो ये नफ्सुहू अकरमनी के लिए फाइल बन जाता, क्योंकि अकरमा के अंदर जमीर मुस्तकिन है, मुस्ततिर है, तो लिहाजा यहां हुआ लाए तो फिर अब पता चल गया नफ्सुहू फाइल नहीं है। फलौलम यू अकदि जमीर उल मुस्तकिन नुफी अक्रमनी, अगर ताकीद न लाई जाए जमीर मुस्तकिन की अक्रमनी के अंदर, बिकौली ही हुआ इस हुआ कौल के साथ, व युकालु और यूं कहा जाए, जैदुन अक्रमनी नफसुहू लल तबसा नफसुहू लदी हुआ ताकीद बिल फाइली, तो इल्तिबास लाजिम आएगा नफसुहू का जो कि ताकीद है उसका इल्तिबास लाजिम आएगा, बिल फाइली किसके साथ, फाइल के साथ। वलम मावक अल इल्तिबास फी हादी सूरती, और जब इल्तिबास वाके हुआ इस सूरत के अंदर, तो उजरिया बकीयतुल बाबी अलैहा, तो बाकी बाब को भी इसी पर जारी कर दिया गया, यानी उसका भी यही हुक्म कर दिया गया। वही नमा कैयद जमीर, जी अब फवाइद कयूद जिक्र कर रहे हैं भाई, देखिए मतन में तीन कैदें आई थी, व ईदा उकदा जमीर उल मरफू उल मुतसिलो बिन्नफ्सी वल आईनी, जमीर के साथ पहली कैद क्या लगाई, मरफू होनी चाहिए, दूसरी कैद क्या लगाई, मुत्तसिल होनी चाहिए, तीसरी कैद क्या लगाई कि वो ताकीद नफ्स और ऐन के साथ आनी चाहिए। तीन कैदें हैं मतन के अंदर कि जमीर की ताकीद लाना चाहते हैं, कौन सी जमीर, मरफू, और मरफू भी कौन सी, मुत्तसिल, और किसके साथ लाना चाहते हैं, नफ्स और ऐन के साथ। अब इन सारी कैदों का फायदा जिक्र करेंगे, कहते हैं जमीर मरफू की कैद इसलिए लगाई कि जमीर मंसूब या मजरूर के लिए ताकीद लाने की जरूरत नहीं, उसकी आप नफ्स और आयन से ताकीद लाना चाहते हैं तो वहां मुनफसिल के साथ ताकीद लाने की जरूरत नहीं। और नीज जमीर मरफू मुत्तसिल, जमीर मरफू के साथ मुत्तसिल की कैद लगाई इसलिए क्योंकि जमीर मरफू मुनफसिल जो है आप उसकी ताकीद नफ्स और आयन से लाना चाहते हैं तो वहां भी दरमियान में कोई और ताकीद लाने की जरूरत नहीं। और नीस कहा भी नफ्सी वल आयनी के नफ्स और आयन के साथ ताकीद लाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप कुल्लुन या अजमाऊ वगैरह के साथ ताकीद लाना चाहते हैं तो फिर याद रखो वहां भी किसी ताकीद की जरूरत नहीं। तो ये तीनों कैदे मलहूज होंगी तो फिर ही ताकीद लाना पड़ेगी, जमीर भी कौन सी हो, मरफू, और मरफू भी कौन सी हो, मुत्तसिल, और ताकीद भी आप किससे लाना चाहते हैं, नफ्स और ऐन के साथ। बात समझ में आ गई। अब ये देखो एक एक कैद का फायदा जिक्र करेंगे, कहते हैं वही नमा कैयद जमीर अबिल मरफूई, मातिन ने जमीर को मुकैद किया मरफू के साथ, ली जवाज ताकीद जमीर इल मनसूब वल मजरूरी, इसलिए क्योंकि जायज है कि जमीर मनसूब और मजरूर की ताकीद लाई जाए बिन नफ्स वल आइन, नफ्स और आइन के लफ्ज के साथ, बिला ताकीद ही मा बिल मुनफसिली, बगैर मुनफसिल के साथ उनकी ताकीद लाए हुए। नहु मिसाल के तौर पर ज़रबतु का नफ्सा का, अब यहां नफ्सा का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों,
वजह यह कि जराबतू का यह काफ जमीर की ताकीद में लाया हूं, और काफ जमीर तो मनसूब है, मफूल है, तो ताकीद भी मनसूब होगी। तो जराबतू का नफ्सा का, तो यह मनसूब जमीर की ताकीद लाई गई नफ्स के साथ, और दरमियान में जमीर मुनफसिल लाने की कोई हाजत नहीं। इसी तरह व मरर तू बी का नफसी का, नफसी का मजरूर पढ़ेंगे क्योंकि बी का ये काफ जमीर भी क्या है, मजरूर मुत्तसिल है, इसकी ताकीद भी नफ्स और ऐन से लाएं तो कोई ताकीद दरमियान में लाने की हाजत नहीं। तो कहते हैं वह मरर तू बी का नफसी का, जरब तू का नफ्सा का, मैंने आप ही की जात की पिटाई की, मरर तू बी का नफसी का, मैं आपकी जात के पास से ही गुजरा, माना समझ में आया, मैं आपकी जात के पास से गुजरा, लिआदमी लुबसी, इल्तिबास न होने की वजह से, यानी इनका इल्तिबास फाइल वगैरह या किसी और चीज से लाजिम नहीं आता। ये जो मनसूब मुत्तसिल है और मजरूर मुत्तसिल है, वह बिल मुत्तसिली, ये समझ लो भाई यहां परेशान होंगे, वह बिल मुत्तसिली इसका आतफ है वो जो पीछे एक सतर पीछे आया था, वह इन नमा कैयद जमीरा बिल मरफूई, जमीर को मुकैद किया किस कैद के साथ, मरफू के साथ, अब इसी पर आतफ है, वह बिल मुत्तसिली और जमीर को मुकैद किया किसके साथ, मुत्तसिल के लफ्ज के साथ, अली जवाजी ताकीद इल मरफू इल मुनफसिली, इसलिए क्योंकि जायज है कि मरफू मुनफसिल की ताकीद लाई जाए, मिन नफ्सी वल आईनी, नफ्स और आयन के साथ, बिला ताकीद ही बि मुनफसिलिन, बगैर उसकी ताकीद लाए मुनफसिल के साथ, नहव मिसाल के तौर पर अंता। आप मुझे बताइए क्या पढ़ेंगे, नफ्सा का, नफसी का, नफसु का, क्या पढ़ेंगे, अंता नफसु का, क्यों नफसु का क्यों पढ़ेंगे, अंता मरफू है, शाबाश, जमीर मरफू की ताकीद है और मौकत ताकीद का इराब एक होता है, तो अंता नफसु का कायमुन, आप खुद खड़े हैं। आगे देखिए, कहते हैं लिए आदमिल लुबसी, इल्तिबास न होने की वजह से, क्योंकि इसका भी किसी और चीज से इल्तिबास नहीं आ रहा, व इन नमा कैयद बिन नफसी वल आईनी, अब ये तीसरी कैद का फायदा बतला रहे हैं, व इन नमा कैयद बिन नफसी वल आईनी, और मातिन ने कलाम को मुकैद किया नफ्स और ऐन के साथ, लि जवाजी ताकीद इल मरफू इल मुत्तसिली बिकुल्लिम व अजमाईना बिला ताकीदिन, इसलिए क्योंकि जायज है कि मरफू मुत्तसिल की ताकीद लाई जाए कुल्लुन और अजमाऊना के साथ, बिला ताकीदिन बगैर किसी ताकीद के, नहु मिसाल के तौर पर अल कौमु जाऊनी कुल्लुहुम, ये कुल्लुहुम किसकी ताकीद है, अब आप मुझे बताइए, अल कौमु जाऊनी कुल्लुहुम, वो लोग मेरे पास आए सब के सब, भाई देखो ना, ली जवाजी पीछे खुद बयान कर रहे हैं, ली जवाजी ताकीद इल मरफू इल मुत्तसिली, मरफू इल मुत्तसिल की ताकीद लाना जायज है, बिकुल व अजमाईना कुल्लुन और अजमाऊना के साथ, बिला ताकीदिन बगैर किसी ताकीद के, ये जमीर की ताकीद की बात हो रही है, जमीर मरफू, और जमीर मरफू क्या है, अल कौमु जाऊनी के अंदर ये वाव है, जाऊ के अंदर जो वाव जमीर है जमा मुजक्कर की, जो किसको लौट रही है, अल कौम को, इस जमीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद कुल्लुहुम लाई गई, इसी तरह आगे है अजमाऊना कुल्लुहुम अजमाऊना, तो यहां किसी ताकीद की जरूरत नहीं है, यानी दरमियान में जमीर मुनफसिल की जरूरत नहीं, अल कौमु जाऊनी कुल्लुहुम अजमाऊना, यहां भी ताकीद नहीं लाते, क्यों, लिआदम इल्तिबास ताकीद बिल फाइली, इसलिए क्योंकि इस ताकीद का इल्तिबास फाइल के साथ नहीं आता, भाई फाइल के साथ इसका इल्तिबास क्यों नहीं लाजिम आता, कहते हैं आप इधर देखिए वजह बताएंगे कि भाई ये जो कुल्लुन और अजमाऊना है, ये इन पर आमिल कम दाखिल होता है, इन पर आमिल कम दाखिल होता है, जबकि नफ्स और ऐन पर आमिल अक्सर दाखिल होते रहते हैं, कि आमिल बराह रास्त आकर उनमें अमल करते हैं, जबकि कुल्लुन और अजमाऊ जो है ये अक्सर ताकीद ही बनते हैं, और आप जानते हैं ताकीद तो तवाबे में से है, और तवाबे में तो आमिल बराह रास्त अमल नहीं करता, वो तो मतबूआ में बराह रास्त अमल करता है, जा अनी जैदुनिल आलिमु, जा अने जैद में अमल किया है, अल आलिम में अमल नहीं किया, अल आलिम जैद के ताबे है, तो ताकीद भी माकबल के ताबे होती है, आमिल बराह रास्त उसमें अमल नहीं करता, तो लिहाजा नफ्स और ऐन
इनमें तो आमिल बराह रास्त अमल करता रहता है, ये फाइल बनते रहते हैं, लिहाजा ये अगर साथ आए तो वहां शुबा पड़ सकता है कि ये फाइल ना हो, तो वहां हमने कहा जमीर मुनफसिल लाओ। और कुल्लुन और अजमाउना ये तो फाइल नहीं बनते, इन पर तो बराह रास्त आमिल काम बहुत ही कम दाखिल होता है, तो इसलिए यहां इनका फाइल से इल्तिबास नहीं, तो इनके लिए जमीर मुनफसिल दरमियान में लाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं लियादम इल्तिबासी ताकीद बिल फाइल, इसलिए क्योंकि इस ताकीद का इल्तिबास फाइल के साथ नहीं है। लिअन्न कुल्लन व अजमाउना यलियानिल अवामिल कलीलन, इसलिए क्योंकि कुल्लुन और अजमाउना जो है यलियानी यलियानी, तो ये यलियानी ये तस्निया का सीगा है, वलिया यली का माना है साथ मिलना साथ जुड़ना, तो यली यलियानी यलोना। तो कहते हैं लिअन्न कुल्लन व अजमाइन यलियानिल अवामिल कलीलन, इसलिए क्योंकि कुल्लुन और अजमाउना जो है वो अवामिल के साथ मिलते हैं, कलीलन कम भाई कम मिलते हैं अवामिल के साथ, अवामिल इनमें बहुत कम बराह रास्त अमल करते हैं। बेखिलाफ इन नफ्स वल आयन, बेखिलाफ नफ्स और आयन के, फैन्नहुमा यलियानिहा कसीरन, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो हैं अवामिल के साथ कसरत से मिलते हैं, यानी अवामिल इनमें बराह रास्त अमल करते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, सिर्फ मतन मतन कहते हैं, वह अख्ताऊ अखवाहू अतबाउन ली अजमाआ, भाई मैंने आपको बतलाया था, ये वही बात कर रहे हैं जो मैं कल जिक्र कर चुका कि अजमाऊ अख्ताऊ अबताऊ अबसाऊ, इनके अंदर अजमाऊ जो है वो असल है और ये बाकी तीनों उसके ताबिअ हैं, तो लिहाजा ये जब भी आएंगे अजमाऊ के बाद आएंगे, किसके बाद आएंगे अजमाऊ के बाद आएंगे, और फिर चाहे इनमें से किसी को अजमाऊ के साथ आप लाएं चाहे न लाएं, चाहे एक लाएं चाहे दो लाएं चाहे तीनों लाएं, बात समझ में आ गई। तो ये अजमाऊ के ताबिया हैं और अजमाऊ के बगैर भी ये इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि इनका अकेले कोई माना ही नहीं, गुज़श्ता सबक में बताया था, तो ये अजमाऊ के बगैर नहीं आते, अजमाऊ के बगैर इनका आना ज़ईफ है, ज़ईफ लुगत है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अख्ताऊ व अखवाहू, कहते हैं अख्ताऊ और उसके जो दो भाई हैं, यानी उसके जो दो मुशाबे कलीमे हैं, यानी अबताऊ और अबसाऊ, ये अतबाउन ली अजमा, ये ताबिअ हैं अजमाऊ के, अतबा जमा है ताबिअ की, फला यतकद्दम अलैही, लिहाजा ये मुकद्दम नहीं होंगे उस अजमाऊ पर, वज़िक्रुहा दूनहू, और इनको जिक्र करना दूनहू इलावा अजमाऊ के, यानी अजमाऊ के बगैर सिर्फ इनको जिक्र करना कलाम में, ज़ईफ़ुन ये ज़ईफ है जी। अब सार इस सारे को शरा के साथ देखिए, कहते हैं वह अख्ताऊ व अखवाहू, अख्ताऊ और उसके जो दो भाई हैं, यानी अबता व अबसा, यानी अबताऊ और अबसाऊ, ये दो तीनों जो हैं, अतबाउन बिफतहिल हमजती, ये अतबाउन का लफ्ज हमजा के फतहा के साथ है, यानी ये जमा है ताबिअ की, ये हमजा के फतहा के साथ है, अलामा हुअल मशहूर, बिनाबर उसके जो मशहूर है, वो बिनाबर उसके जो मशहूर है, इसका ताल्लुक बिफतहिल हमजा से ना समझना भाई, हमजा के फतहा के साथ है, बिनाबर उसके जो मशहूर है, नहीं नहीं, इसका ताल्लुक है अतबाउन के साथ, कि अख्ताऊ और अबताऊ अबसाऊ वगैरह जो हैं ये ताबिअ हैं, अलामा हुअल मशहूर, बिनाबर उसके जो मशहूर है, लि अजमा, किसके ताबिअ हैं, अजमाऊ के, बाजों ने कहा है ये ताबे नहीं, लेकिन मशहूर यह है कि यह इनके ताबे हैं, तो मशहूर कौल की बिना पर ये ताबिया हैं, माना समझ में आ गया। तो कहते हैं ये अला माहुअल मशहूर, बिना पर मशहूर कौल के ये ताबिया हैं, ली अजमा अजमाऊ के, यानी तुस्ता मलू हाद हिल कलीमात सलासु, यानी ये तीन कलीमात जो हैं इस्तेमाल होते हैं, बितबईयत ही अजमाऊ के ताबे होकर, लाबिल असालती, असालतन अलग जुदा नहीं, असालतन इस्तेमाल नहीं होते, लिकौनी ही अदल मिनहा अलल मकसूदी, लिकौनी ही अदल्ला, इसलिए क्योंकि ये जो अजमाऊ है ये ज्यादा दलालत करने वाला है, लिकौनी ही अदल्ला, क्योंकि अजमाऊ जो है ज्यादा दलालत करता है, मिनहा इनके मुकाबले में, यहां जमीर इन तीनों को राजे है, और अदल्लु इसमें तफजील है, लिकौनी ही अदल्ला मीनहा, इसलिए क्योंकि अजमाऊ जो है वो ज्यादा दलालत करता है, मीनहा इन तीनों के मुकाबले में, अलल मकसूदी मकसूद पर,
भाई अजमाऊ किस लिए लाते हैं? इज्तिमा के लिए, शुमूल के लिए, और अजमाऊ की दलालत इज्तिमा और शुमूल पर वाज़ह है, जबकि बाकियों की दलालत शुमूल और इज्तिमा पर वाज़ह नहीं। जैसे गुज़श्ता सबक में वो मुनासबतें बयान की थी, तो इनका माना शुमूल और इज्तिमा में वाज़ह नहीं है। भाई ये माना है लिकाउन ही अदल मिनहा अलल मकसूदी, इसलिए क्योंकि अजमाऊ जो है वो ज्यादा दलालत करने वाला है इनके मुकाबले में मकसूद पर। भाई वो मकसूद क्या है? कहते हैं वह हुल जमयतु, और वो जमा होना है, यानी जमा होने और इज्तिमा के माने पर अजमाऊ ज्यादा दलालत करता है। फला यतकद्दमु, तो लिहाजा मुकद्दम नहीं होंगे, यानी अकता व अखवाए ही, यानी अकताऊ और उसके जो दो मुशाबे कलीमे हैं ये मुकद्दम नहीं होंगे। अलई ही अ अला अजमा, किस पर? अजमाऊ पर। लविश तमात माहू, अगर ये उसके साथ इकट्ठे हो जाएं, अगर ये तीन कलीमे इनमें से कोई अजमाऊ के साथ इकट्ठे हो जाएं तो अजमाऊ पर मुकद्दम नहीं होंगे। व जिक्रुहा ऐ जिक्रु अकता मा अखवई ही, और जिक्र करना अकताऊ और इसके बाकी दो मुशाबे कलीमों को, दू नहू ऐ दू न जिक्री अजमा, अजमाऊ के जिक्र के बगैर, सिर्फ इनको जिक्र करना अजमाऊ के जिक्र के बगैर, ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ है। लिअदमि ज़ुहूरी दलालतिहा अला मानल जमईयती, इसलिए क्योंकि इनकी दलालत जमईयत के माना पर जाहिर नहीं, बाकियों की दलालत जमईयत के माना पर जाहिर नहीं है। अजमाऊ से तो जमईयत का माना समझ में आता है, इकट्ठे होने और शुमूल का माना समझ में आता है, लेकिन अख्ताऊ अबताऊ अबसाऊ से माना समझ में नहीं आता, इनकी दलालत जमईयत पर जाहिर नहीं, और अजमाऊ की दलालत जमईयत पर जाहिर है। यह माना है लिआदमी जुहूरी दलालतिहा अला मानल जमईयती, इस वजह से कि इनकी जो दलालत है जमईयत के माना पर वो जाहिर नहीं है। वली लुजूम जिक्री मा मिन शानी ही तबईयतु बिदूनिल असली, वली लुजूम जिक्री मा, और नीज इसलिए क्योंकि यह बात लाजिम आती है कि जिक्री मा, जिक्र किया जाए उस चीज को, मिन शान ही तबईयतु, जिसकी शान ही ताबिया होना है, जिसकी हालत ही क्या है? ताबिया होना है, उसको जिक्र करना बिदूनिल असली, बगैर असल के, ये लाजिम आता है, और ये तो पसंदीदा नहीं कि एक चीज कि उसकी हालत ही क्या है, वो हमेशा क्या बनता है? ताबिया बनता है, उसको बगैर असल के इस्तेमाल कर लेना, बगैर अजमाऊ के इस्तेमाल कर लेना, ये लाजिम आता है और ये पसंदीदा नहीं। तो लिहाजा इनको अजमाऊ के बगैर जिक्र करना ज़ईफ है। दो वजह जिक्र कर दी, इनको अजमाऊ के बगैर जिक्र करना ज़ईफ है, क्यों? एक तो वजह यह कि इनकी दलालत जो है जमईयत के माना पर जाहिर नहीं, और दूसरी वजह यह कि इस सूरत में लाजिम आएगा कि एक चीज की जिसकी हालत ही यह है कि वह ताबे के तौर पर इस्तेमाल होता है, आपने उसको असल बना दिया, तो क्या लाजिम आता है? ताबिया का असल होना लाजिम आता है। देखिए तर्जमा फिर देख लीजिए, कहते हैं वली लुजूम जिक्री मा मिन शानी ही तबईयतु, और बवजह इसके कि लाजिम आता है जिक्र करना उस चीज को जिसकी शान ही ताबे होना है, बिदून इल असली, बगैर असल, जिसकी शान ही ताबे है, ताबे होना है, उसको बगैर असल के जिक्र करना लाजिम आता है। हालांकि ये तो आता ही किस तरह है? ताबे के तौर पर आता है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। हासिल कलाम ये कि आज इन्होंने बताया कि कुल्लुन और अजमाऊ के जरिए सिर्फ उसी चीज की ताकीद लाएंगे जिसके अज्जा हों, और वो अज्जा एक दूसरे से जुदा हो सकें, चाहे हिस्सन जुदा हो सकें या हुक्मन जुदा हो सकें। और नीस बाजों ने कहा कि जू अज्जा के साथ जू अफराद की कैद भी लगानी चाहिए थी, तो बतलाया नहीं, वो अफराद इसी में दाखिल हो गए, इसलिए क्योंकि जिस चीज के अफराद हैं उनके लिए आप कुल्लू और अजमाऊ की ताकीद लाना चाहते हैं, तो ये ताकीद उसी वक्त लाएंगे जब उसके तमाम अफराद इकट्ठे हों, जब उसके तमाम अफराद इकट्ठे मलहूज हों, और जब तमाम अफराद इकट्ठे मलहूज हैं तो वह कुल बन गए। क्या बन गए? कुल मान गए, तो गोया वो अज्जा के दर्जे में हो गए, और जब वो अज्जा के दर्जे में हो गए तो अब उनके लिए कुल की ताकीद लाना सही। अगर ये अज्जा के दर्जे में नहीं होंगे तो कुल की ताकीद ही नहीं ला सकते। तो जब
कुल की ताकीद ही वहां लाएंगे जब अफराद अज्जा के दर्जे में हो गए। जब अज्जा के दर्जे में हो गए तो जू अज्जा में यह भी आ गए, दोबारा अलग जू अफराद लाने की जरूरत नहीं। और फिर यह भी बताया था कि जब जमीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद जो है आप नफ्स और ऐन के साथ लाना चाहते हैं तो फिर पहले जमीर मुनफसिल के साथ उसकी ताकीद लाएंगे। और मैंने यह भी बताया अगर कहीं पर फसल आ जाए तो फसल भी काफी है, फसल भी काफी है, फिर वहां पर ताकीद की भी जरूरत नहीं है। जैसे मसलन मैं कहता हूं जैदुन, पहले क्या था जुमला, जैदुन जाराबा हुआ नफ्सुहु, जैदुन जाराबा हुआ नफ्सुहु, यह नफ्सुहु के फाइल होने का इहतमाल था, नफ्सुहु के बारे में शुबा होता था यह फाइल है अगर हम हुआ जमीर न लाते, तो इसलिए हम हुआ जमीर मुनफसिल लाए। अगर फसल आ जाए तो फिर हुआ की जरूरत नहीं। जैदुन जाराबा बिनफसी ही, जैदुन जाराबा बेनफसी ही, अब देखो बिनफसी ही, अब यहां इस पर बाद आखिल है, अब इसके फाइल होने का इहतमाल नहीं, यह ताकीद बन रहा है। और फसल बा के जरिए आया, एक हर्फ का भी फसल आ जाए वो काफी है, लिहाजा अब हुआ लाने की जरूरत नहीं। तो आप कह सकते हैं जैदुन जाराबा बिनफसी ही, अगर ये बा न होती तो हमें यूं कहना पड़ता जैदुन जाराबा हुआ नफसुहु, पहले हुआ के साथ ताकीद लाना पड़ती और फिर नफ्स के साथ ताकीद लाना पड़ती। लेकिन जब फसल आ जाए तो वो फसल काफी है, अब जमीर मरफू मुनफसिल के साथ ताकीद लाने की कोई हाजत नहीं। जैसे जैदुन जाराबा बिनफसी ही, तो अब देखो बा एक हर्फ का बेशक फसल आ गया लेकिन फसल तो आ गया, अब दरमियान में हुआ लाने की जरूरत नहीं। अगर ये बा ना होती तो हम कैसे कहते हैं जैदुन जाराबा हुआ नफसुहु, लेकिन अब बा आ गई फसल आ गया, बेशक एक हर्फ का फसल है लेकिन फसल तो आ गया, तो लिहाजा अब हुआ दरमियान में लाने की हाजत नहीं है। बात समझ में आ गई। और यह याद रखना यह बा जारा जायद है, यह क्या है जायद। और मैंने आपको बतलाया था कि यह हरूफ जारा जायदा, यह बात हमेशा याद रखना, हरूफ जारा जायदा किसी से मुताल्लिक नहीं होते। वैसे तो आप जार मजरूर के लिए मुताल्लक तलाश करते हैं और फिर जार मजरूर उससे मुताल्लिक हो जाता है, लेकिन जो हरूफ जारा जायदा हों वो किसी से नहीं जुड़ते क्योंकि वो जायद हैं। जब आप किसी से जोड़ेंगे तो इसका मतलब है ये रबत का काम दे रहा है, अपने माना का फायदा दे रहा है, और ये तो जायद होते हैं। और मैंने बताया था कि जायद आने का ये माना भी नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार हैं और रद्दी हैं, नहीं, ये कलाम में हुसन पैदा करते हैं और नीज ये कलाम में ताकीद और जोर पैदा कर देते हैं। जैसे एक मैं कहता हूं जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, और एक मैं कहता हूं वल्लाही इन्ना जैदन लकायमुन, तो देखो अब कसम से क्या आ गया, जोर आ गया। तो खैर कसम से तो बेइंतहा दर्जे का जोर आ जाता है कलाम में, लेकिन इनके जरिए इतना दो जोर तो नहीं आता कलाम में, लेकिन वैसे ये मैंने वजाहत के लिए मिसाल पेश की कि कलाम में जोर आ जाता है। तो एक हर्फे जायद के बगैर कलाम होगा, जैसे मैं कहता हूं लैस जैदुन काइमन, लैस जैदुन काइमन, तो अब इसका माना क्या है, जैद खड़ा नहीं है। और मैं एक सूरत यह है कि लैसा की खबर पर बा दाखिल करते हैं, याद रखो लैसा की खबर पर अक्सर बा जारा जायदा दाखिल कर देते हैं। और तो मैं यूं कहता हूं जैदुन लैसा बिकाइमिन, तो याद रखो इस जैदुन लैसा बिकाइमिन इस कलाम में ज्यादा जोर है बमुकाबला लैसा जैदुन काइमन के जिसमें बा नहीं है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा यहां पर भी ये बा जारा जायदा है और ये अपने माना का फायदा नहीं दे रही और ये किसी से भी नहीं जुड़ेगी। तरकीब कैसे होगी, तरकीब सुनिए, जैदुन जाराबा बिनफसी ही, जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, जाराबा फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल जो किसको राजे है, जैद को, और ये रबत आ गया जैद के साथ इस जुमले का, ये जो खबर है, और हुआ जमीर ये है मुअक्कद जो जराबा के अंदर है, और बिनफसी ही में बाजारा जायदा, और नफसी ही ये नफ्स लफ्ज जो है ये मजरूर लफजन है लेकिन ये ताकीद है हुआ जमीर की, और ताकीद का वही एराब होता है जो मुअक्कद का हो, और जमीर तो मरफू थी तो ये नफ्स का लफ्ज मरफू है महलन, ये क्या है लफजन मजरूर है, बाकी वजह से बा जर दे रही है लेकिन महलन ये मरफू है और ये मुजाफ है हा जमीर की तरफ।
और यह हा जमीर उसी मुअक्कद की तरफ राजे है, तो यह हा जमीर मजरूर महलन मुजाफिले, तो नफ्स का लफ्स मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर यह ताकीद बन गया जरबा के अंदर हुआ जमीर के लिए, और मुअक्कद अपनी ताकीद से मिलकर यह फाइल हुआ जरबा के लिए, और फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर यह खबर हुई मुब्तदा के लिए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरकीब समझ में आ गई। और फिर आखिर में यह बताया कि यह अबताऊ अकताऊ अबसाऊ जो हैं यह अजमाऊ के ताबिया हैं, और यह उस पर मुकदम भी नहीं होंगे, और उसके बगैर अजमाऊ के बगैर अगर इनको इस्तेमाल किया जाए तो यह इस्तेमाल ज़ईफ है। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।